मंगलवार को गणतंत्र दिवस के मौके पर देश की राजधानी में घुसकर किसान आंदोलनकारियों ने दिन भर हिंसा की। इसी बीच दिल्ली के डीडीयू मार्ग पर एक व्यक्ति की ट्रैक्टर पलटने से मौत हो गई। आईटीओ के पास पूरे चौक पर सैकड़ों की संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर खड़े रहे, जिसे लेकर समाचार चैनल इंडिया टुडे के पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने एक और फेक न्यूज फैला दी और पोल खुलने पर अपना ट्वीट चुपके से डिलीट भी कर दिया। दरअसल राजदीप सरदेसाई ने तिरंगे में लिपटी मृतक की लाश की तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर करते हुए लिखा कि इसकी मौत पुलिस की गोली से हुई है। राजदीप ने ट्विटर पर लिखा, पुलिस फायरिंग में आईटीओ पर 45 साल के नवनीत की मौत हो गई है। किसानों ने मुझे बताया कि उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन हकीकत ये है कि ट्रैक्टर रैली के दौरान जिस व्यक्ति की मौत हुई वह पुलिस फायरिंग में नहीं बल्कि ट्रैक्टर पलटने से मारा गया। दरअसल ड्राइवर ने काफी तेज रफ्तार से चल रहे ट्रैक्टर को अचानक से मोड़ दिया, जिसकी वजह से संतुलन बिगड़ गया और ट्रैक्टर पलट गया। इस दौरान उस किसान की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर लोग ट्विटर से सवाल कर रहे हैं कि क्या फेक न्यूज फैलाने और राजधानी में दंगे भड़काने का प्रयास कर रहे राजदीप सरदेसाई का अकाउंट प्रतिबंधित किया जाएगा या फिर नहीं। पहले भी कई बार फेक न्यूज फैलाने के आरोपों से गिर चुके राजदीप सरदेसाई ने आदतन इस बार भी अपने प्रोपेगेंडा के लिए इसका इस्तेमाल किया और इस व्यक्ति की मौत का आरोप पुलिस के सर थोप दिया। लेकिन इस खबर की वास्तविकता सामने आते ही राजदीप सरदेसाई ने बिना माफी मांगे अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया।